हमसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि व्हाट कम जस्ट बिफोर 1 करोड़। तो हम सिंपली इसमें लिखेंगे कि द नंबर कम जस्ट बिफोर 1 करोड़ इज 1 करोड़ माइनस 1, और माइनस करने के बाद हमारे 7 टाइम्स 9 आ जाएंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमें बिफोर की वैल्यू चाहिए है तो माइनस करना पड़ेगा, और अगर आफ्टर की वैल्यू चाहिए है तो प्लस करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2, 3, 4, टेकिंग ईच डिजिट एट ओनली वंस। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि 3 डिजिट की वैल्यू आपको बनानी है, 1 से 100 तक की, इन 3 संख्याओं का इस्तेमाल करके, यूज़ करके, और ये एक ही बार यूज़ होना चाहिए। मतलब ये वंस में तो एक ही बार आना चाहिए, फिर 10 और 100 प्लेस में, बार बार वही नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सिंपल है, आइए देखते हैं। हम ऐसे लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, अगर हम इसे 4 को पहले वंस डिजिट में लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 2, 3, 4, वंस प्लेस में है 4। अगर हम 3 को वंस प्लेस में लेते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 43। इसी तरीके से अगर हम 2 को वंस प्लेस में लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 3, 42। और इसी तरीके से अब हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 3, 2, 4, और हम वैल्यू लिख सकते हैं 4, 2, 3, और हमें हम वैल्यू लिख सकते हैं 4, 3, 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पाएंगे कि इनमें कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं है। जैसे 234 है, 243 है, 342 है, 324 है, 423 है, 432 है, पर कोई भी नंबर जो है वो एक मैच नहीं कर रही है, सारे डिफरेंट वैल्यूज हैं। इस तरीके से आपको करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, लिखा हुआ है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 0, 5, 7। छोटी संख्या बनानी है इन डिजिट्स का यूज़ करके। सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आप देखे मैं बताता जाता हूँ। द रिक्वायर्ड नंबर इस, जब ये पता ही है आपको कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है वो यहाँ पे 0 है, पर यहाँ हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें 0 से करेंगे स्टार्ट तो वैल्यू वैल्यू नहीं रह जाएगी, इसलिए हम इसे 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 0, फिर इसके बाद छोटी वैल्यू है 3, फिर इससे बाद 5 बड़ा है और 7। अगर आप सोच रहे हैं कि 7 यहाँ पर रख सकते थे तो ये 17,000 समथिंग हो जाता, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाती, और अगर 5 यहाँ पर रख देते तो ये 15,000 समथिंग हो जाता, इसलिए यही वैल्यू आपकी सही रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट्स दिस, मतलब कि दूसरी ये जो वैल्यूज दी गई हैं, डिजिट्स दी गई हैं, इनका यूज़ करके सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना। तो वही जो हमने इस प्रीवियस 16 क्वेश्चन में किया था, बस उसका थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें हमने स्मॉलर यूज़ किए थे, इसमें लार्जर बनाना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज, यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 9, तो उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 0। बस सिंपली आपका डिजिट बन गया है 9, 6, 4, 3, 2, 0। आगे आने वाली ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मैथ क्लास 6 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ आवर चैनल मैथ क्लास 6। थैंक यू।